जी डी एस स्टूडेंट, आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायामीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करें। टू मेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेयरिंग इट्स लेंथ। वर्नियर कैलिपर आपको लैब में दिया जाएगा, जिसकी मदद से आपने इस सॉलिड सिलेंडर का आपने डायामीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे नंबर शुमार है, 3 दफ़ा आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे मेंस की रीडिंग लिखनी है कैपिटल एम, और वर्नियर स्केल का दर्जा जो मेन स्केल के दर्जे पर मुंतबिक हो यानी कोइंसाइड करे, मैच करे, एन यहाँ हम लिखेंगे। जमा होने वाला फ्रैक्शन एक्स दैट इज इक्वल टू एन जरब लीस्ट काउंट सेंटीमीटर के अंदर। उसके बाद मुशाहदाती डायमीटर जो आएगा वो हम वाई से मालूम करेंगे, डेट इज इक्वल टू एम प्लस एक्स, ये भी सेंटीमीटर में है। फिर दुरुस्त डायमीटर जो होगा कैपिटल डी, डेट इज इक्वल टू वाई प्लस जीरो कुरेक्शन, ये भी सेंटीमीटर में लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है, उसके बाद जीरो कुरेक्शन को देखेंगे, फिर जीरो एरर, ये दोनों तीनों टर्म्स जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट मालूम करते हैं, फिर जीरो एरर मालूम करेंगे, फिर जीरो करेक्शन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो लीस्ट काउंट है ये क्या होता है? मेन स्केल पर छोटे से छोटा दर्जा, उस पर आपने वर्नियर स्केल के कुल दर्जों की तादाद को तकसीम करना है, उससे लीस्ट काउंट हासिल होता है। ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर है, इसकी ये वाली आपको नजर आ रही है मेन स्केल, इसके ऊपर ये जो मूव कर रही है ये आपके पास है सर्कुलर स्केल, या इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अब जो मेन स्केल पे छोटे से छोटा दर्जा है वो है एक, इसको हम डिवाइड करेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल जो दर्जे हैं। अगर हम टोटल दर्जे देखें वर्नियर स्केल के ऊपर तो ये हमें 10 तक नजर आ रहे हैं, ये देखिएगा यहां तक, 9 के बाद ये 10 है, तो डिवाइड करेंगे एक को हम 10 के ऊपर, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.1 मिलीमीटर। फिर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट निकल आया है। अब हम चलते हैं जीरो एरर की तरफ। जीरो एरर क्या होता है ये देखिएगा, मेन स्केल ये वर्नियर स्केल दोनों के जबड़ों को मैं आपस में यूं मिलाऊंगा, मिलाने के बाद आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बराबर है कि नहीं है। ये देखिए आप ये वाला, अगर तो बराबर है तो इसका मतलब है ये आला जो है इसमें जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट है ये। तो यहां पे मैं यहां लिखूंगा जीरो एरर इसमें नहीं है, तो इसको मैं नील कर दूंगा। ये देखिए, ये देख लें आप, दोबारा चेक कर लें अच्छे तरीके से। आपने दोनों जबड़ों को बंद किया, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने कोइंसाइड कर रहा है, तो जिससे इसका जो जीरो एरर है वो निल है। अगर जीरो एरर नहीं है तो जीरो करेक्शन भी नहीं होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी क्या है निल, यानी कि इसको हम अगर ऐड करेंगे तो जीरो ही कंसीडर करेंगे, जीरो ही लेंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब मैं धाती सिलेंडर लूंगा और इस वर्नियर कैलिपर के जो दोनों जबड़े हैं इनके दरमियान में रखकर ऊपर से पेच की मदद से कसूंगा, टाइट कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त धाती सिलेंडर जो है वो वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों के दरमियान में है, जिसका हमने डायामीटर यानी मोटाई मालूम करनी है। अब आपने क्या करना है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को फोकस करना है और देखना है कि मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का जीरो किस दर्जे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के किस दर्जे के साथ कोइंसाइड करता है वो मेन स्केल रीडिंग होगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आप गौर से देखें तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपके सामने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7,
ये आगे 8, 9, ये 10, यानी एक यहाँ पे हो रहा था, तो इसका मतलब है 0.7 आ रही है, 8 से पीछे है और 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको ये कंसीडर करेंगे 0.7, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये हम नोट करते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग में 0.7 लिखेंगे, 0.7, ये देखें। अब हम वर्नियर स्केल का वो दर्जा देखेंगे जो मेन स्केल के किसी भी दर्जे के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, मिल रहा हो, मुंतबिक हो रहा हो। अब गौर से देखें, आपके सामने ये नजर आ रहे हैं 0, 1, इनमें से कोई देखना है वर्नियर स्केल का दर्जा 0 से लेकर 10 तक जो मेन स्केल के किसी भी एक दर्जे के साथ बिल्कुल क्लियर कंसाइड कर रहा हो, गौर से देखिए आप। और अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त, ये देखिए, ये चौथा दर्जा देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वर्नियर का चौथा दर्जा मेन स्केल के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा है। अब ये वर्नियर रीडिंग है, इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, मार्कर की मदद से अपने इस टेबल में 4 लिखूंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास वर्नियर और मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है। अब इससे हम क्या करेंगे, जमा होने वाला फ्रैक्शन मालूम करेंगे एक्स। एक्स के अंदर हम दो वैल्यू पुट करेंगे, नंबर एक तो एन एन वैल्यू हमारे पास आई है 4, और लीस्ट काउंट कितना हमारा अभी शुरू में हमने निकाला है 0.01। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया एक्स, यानी जमा होने वाला फ्रैक्शन। इसी तरह अब आप मुशाहदाती डायमीटर इसका मालूम करेंगे, वाई बराबर है एम प्लस एक्स। एम हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग, वो है 0.7, उसमें प्लस करेंगे ये जो अभी हमने जमा होने वाला फ्रैक्शन एक्स निकाला है, यानी 0.04, ये प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.74। अब हम चलते हैं दुरुस्त डायमीटर एग्जैक्ट निकालते हैं, यानी कि जिसमें जीरो अगर एरर है करेक्शन के बाद वो भी ऐड हो चुका हो, यानी उसमें हमारे पास है वाई, वाई अभी हमारे पास आया 0.74 प्लस जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन हमने यहाँ पे देखें जीरो, क्योंकि जीरो एरर है ही नहीं था इसलिए जीरो करेक्शन, उसके हम जीरो ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये फिर दोबारा आप इसको प्लस करें तो 0.74 ये आएगा। जी डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा ये मैंने रीडिंग ले ली है मुकम्मल, दुरुस्त डायमीटर निकाल लिया है, अब ये प्रोसेस आप 3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट एक है, जो धाती सिलेंडर है ठोस वो भी एक ही है, इसलिए हर दफ़ा ये रीडिंग सेम आएगी। तो मैं इसको सेम रिपीट कर देता हूँ बाकी 2 रीडिंग के लिए भी। ये देखिए दूसरी दफ़ा होगी, अब मैं तीसरी रीडिंग भी यही लूँगा, ये देख लें आपके सामने है। ये लें, ये 3ों रीडिंग मैंने लिख दी हैं। अब आपने इन 3ों रीडिंग का औसत जो डायमीटर है, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी यही आएगा, यानी 0.74 ये इसका डायमीटर आएगा, 0.74, क्योंकि हमने ये डायमीटर सेंटीमीटर में लिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे भी हम छोटा सा सीएम यानी सेंटीमीटर हम लिखेंगे। अब हम चलते हैं डायमीटर निकालने के बाद इसका रेडियस मालूम करेंगे और उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने लिखा था सिलेंडर का डायमीटर, यहाँ मैं लिखूंगा 0.74 सेंटीमीटर, 0.74 सेंटीमीटर। अब रेडियस मालूम करते हैं, रेडियस का फार्मूला होता है हाफ डायमीटर, यानी कि डी ओवर 2। डायमीटर को
जब आप 2 पे तकसीम करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा। इस वक्त हमारे पास जो डायमीटर है वो है 0.74, को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.37 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया जी रेडियस। अब हम मालूम करते हैं सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया। उसका फार्मूला है एरिया का पाई आर स्केयर। पाई आपको पता है 3.14 के इक्वल होता है, इनटू आर हमारे पास आया है अभी 0.37, इसका हम स्केयर लेंगे। स्केयर लेने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.42 सेंटीमीटर स्केयर। तो इसका मतलब है इसका ये वाला एरिया होगा, और ये जो ऊपर जो हमने निकाला है ये इसका डायमीटर है। और एंड पे हम नतीजा निकाल देंगे कि दिए गए धाती ठोस सिलेंडर का डायमीटर 0.74 सेंटीमीटर है, जबकि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और लिखेंगे आप कि मैंने वर्नियर कैली पर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम किया और एग्जामिनर यानी मुमतन को दिखाया। तो ये था तरीकाकार कि किस तरह हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके किसी भी ठोस सिलेंडर का या बॉल का हम डायमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जी डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें। और अगर साहब का वीडियोस मेरी आपको वसूल नहीं हुई और आप चाहते हैं कि वो भी आपको मिलें और नई आने वाली वीडियोज़ भी मिलें प्रैक्टिकल से रिलेटेड और थीरी से रिलेटेड, तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए।